नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं राज कुंद्रा, वक्त हो चुका है खास खबरों का, यानी कि खास खबर और खास मेहमान। और आज जो हमारे बीच खास मेहमान आए, जिनकी जो है जन्मभूमि जम्मू कश्मीर है, लेकिन अपना कैरियर जो इन्होंने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया, जिनका अभी हाल ही टी सीरीज में एक वे पथरा सॉन्ग, जो कि दो दिन के अंदर दिल्ली NCR ही नहीं पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो चुके। आइए हम दिखाते हैं इनका ये गाना। दोस्तों ने तो देखी ही है, आप पहले तो थोड़ा सा गुनगुना के सुना दीजिए। वे पथरा तेरी आखियां नू वेखी मेरा जाना किंज परदा, मेरा जी करदा मैं मर जा, तू मैनू प्यार नहीं करदा। क्या बात है, तू मैनू प्यार नहीं करदा, वाह कितनी अच्छी लिरिक्स है, पाजी इसकी लिरिक्स कितनी लिखी है। ये जी हमारे ऑल टाइम फेवरेट, हमारे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे लिरिसिस्ट जानी जी ने इनकी लिरिक्स लिखी। अच्छा पाजी, आप ये बताइए कि अब तक के सफर में आपसे कोई ऐसी भी चीज हुई है जो आपको अनकंफर्टेबल लगी हो, जो अनएक्सपेक्टेड आपको लगी हो? नहीं, मतलब ना मैं कभी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, ना कभी अनएक्सपेक्टेड रहता हूँ। एक्चुअली आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए तो आपको जिंदगी में सब कुछ मिलता है। तो कुछ साल पहले मैं गा तो बहुत देर से रहा हूँ, लेकिन बस कहने की बात यह है कि कोई टाइम था जब मैं इन लोगों के गाने गाता था और मैं सोचता था कि कभी मैं इनके साथ फोटो भी खिंचवाऊंगा। तो मतलब लेकिन पॉजिटिवली सोचा, 2-3 साल के अंदर ही मेरा उनके साथ डेब्यू हुआ है। और जिन लोगों ने हमारा वीडियो बनाया है फ्रेम से, मतलब वीडियो के इतने अच्छे रिव्यूज, इतनी इतना प्यार देंगे लोग मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे गाने को मतलब विद इन आवर्स में सारे मेरे फैंस ने वायरल किया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि आपका मतलब गाना वीडियो इतना अच्छा है ये। तो मतलब वो सारा क्रेडिट मैं बोलूँ कि मेरे को मिले ऐसा नहीं है, वीडियो बनाने वाली कंपनी है फ्रेम सिंह, मोहित जी, पुनीत भाई मेरे, उन्होंने मुझे ये पॉजिटिव किया कि नहीं ऐसा नहीं है, तू एक्ट कर सकता है। ड्रीम कंपनी थी टी सीरीज, जिनके लिए मतलब मैं सोचता था कि यार दुनिया इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड में भी बहुत टॉप रैंकिंग पे ये कंपनी आती है। क्योंकि जब हम मूवीज देखते थे आशिकी 2, रॉकस्टार, तो उस पे जब टी सीरीज का लोगो लगा होता था तो एक ड्रीम होता था कि यार कभी जिंदगी में मेरा भी गाना आए, कभी मतलब ये बहुत सोचने की बात थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरे डायरेक्टर्स थे, मतलब फ्रेम सिंह कंपनी, ये इतने अच्छे वीडियोस बनाते थे, इन्होंने मेरे को गाना बनाया था जे तू मुड़ के ना मेरे को आया वे ना बदल दी मेरा। जब मैंने वो गाना देखा, मैंने सोचा कि यार कभी जिंदगी में मतलब इस टीम के साथ मैं फोटो भी खिंचवाऊंगा। तो रब ने 2-3 सालों में कुछ ऐसी पॉजिटिव सोच मैंने रखी, तो ऊपर वाले ने कुछ ऐसी करने की कि मैं शूट से पहले अपने ही एक दोस्त को बोल रहा था कि यार आज की डेट में ये लोग मेरे लिए कपड़े खरीद रहे हैं, तो मतलब मेरे साथ जाके शॉपिंग कर रहे हैं। तो मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आप पॉजिटिवली सोचो तो हर चीज़ है। गाना रिलीज हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी गाना वायरल होगा। जैसे ही गाना वायरल हुआ, 2 घंटे के अंदर मेरे गाने के बाद स्टोरी वीडियोज, लिरिकल वीडियोज, इतने फोन्स आने शुरू हो गए। तो मतलब हर कोई कह रहा था जैसे ही यूट्यूब पे गाना खोल रहे हैं तो गाना तेरा बिना सर्च किया आ रहा है। तो मेरे लिए वो बहुत ट्रेंडिंग पे भी जेट लाइक चल रहा है वो ना। नहीं, मैं आपको मतलब ट्रेंडिंग का ये कहता हूँ कि मुझे ये फोन्स भी आए कि आपको मिलियंस करवाने हैं, आपको 2 मिलियन करवाने हैं, आपको 5 मिलियन करवाने हैं, मतलब प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के लिए भी कॉल्स हैं। लेकिन मेरा गाना 2-3 घंटे में मतलब 2-2.5 लाख लोगों ने देखा था। और मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर 2-2.5 लाख लोग जेन्युइनली गाने को देखते हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है कि लाख में लोगों ने प्यार दिया विद इन आवर्स, तो सबसे बड़ी चीज थी। अच्छा तो साथ भाई, आप ये बताइए कि आपका वायरल गाना हो गया लगभग 1 हफ्ते के अंदर, इतना अच्छा वायरल, मिलियन में व्यू जा रहे हैं, हजारों में सब्सक्राइबर आपके अच्छे खासे टी सी पे पहुंच रहे हैं, कमेंट्स की बात करें तो लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात लोग उस पर एक्ट कर रहे हैं लाइक के माध्यम से, टिकटॉक के
के माध्यम से। तो ये बताइए पाजी, आपको आज हर इंसान सुन रहा है, देख रहा है, पर बात करी जाए गुरसाज पाजी की, तो आप किसको देखना पसंद करते हैं, कौन आपका फेवरेट सिंगर रहा है? देखो एक मतलब एक कोई फेवरेट नहीं है मेरा, आई बिलीव इन लाइव सिंगिंग। जो भी सिंगर्स लाइव गाते हैं तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपसे भी चार चीजें सीख के ही जाऊंगा। जी जी, ठीक है। तो इंसान लर्नर है, हमेशा जिंदगी में सीखता ही रहता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा गाना आया लोगों ने ऐसा किया, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, सारी दुनिया सीख रही है। बस मेरा एक मैसेज है सबके लिए, जो मेरे साथ हुआ सबके साथ हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें पैसों से की जाती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा ट्रैक दीपराज जानी के साथ आया तो वो लोगों का पैकेज सबसे महंगे लिरिसिस्ट है इंडस्ट्री के, या ऐसा नहीं है। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलता है। अच्छा गुरचैन पाजी एक बात बताइए, जैसे कि रिकॉर्डिंग के दौरान या फिर शूट के दौरान या फिर ऑल ओवर सिस्टम के दौरान कभी आपको कोई चीज ऐसी लगी है जो आपको बिल्कुल लगा कि मेरे बस की ही नहीं है और इसको खत्म कर देना चाहिए? एक्चुअली जब ये गाना बना ऑडियो तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक्ट खुद करूंगा। तो फिर मेरे डायरेक्टर्स ने बोला नहीं आप एक्ट कर सकते हो। तो हमारा शूट था, मुझे याद है, फर्स्ट डे का LPU में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर। जब हम शूट करने गए तो एक्चुअली मेरे को एक्टिंग का पता ही नहीं था कि होती क्या एक्टिंग। तो जब मैंने वैनिटी वैन में बैठा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा वैनिटी में बैठा हूँ, तो बाहर जब निकल के गया, तो जब मैं बाहर गया मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा सेटअप लगा था जैसे कोई मूवी शूट हो रही है। तो जो मेरी को एक्टर थी इसमें मोनिका शर्मा जी, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, राइट नाउ शी इज़ इन मुंबई। तो जब मैंने उनको बहुत सारे एड्स में देखा था, मूवीज में मतलब गानों में देखा था, तो जब मैंने उनसे जाके उन्होंने मेरे को पहला शॉट समझाया तो मैं मेरे से हो नहीं पाया, मतलब टू बी मतलब उन्होंने बताया फिर आपको कि इस तरह से आपको ऐसे ऐसे करना है, नहीं हो पाया। मतलब सिर्फ मोनिका शर्मा जी थे जो जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप कर सकते हो, आप टेंशन ना लो, एक्टिंग हो जाएगी। मैंने उनको बोला कि मैम मैंने तो एक्टिंग सीखी नहीं है तो मैं कैसे करूं, प्लीज आप कुछ करिए, मैं मेरे से गाइड कर दो मेरे गाइड। लेकिन वो जो पूरे दिन का शूट हुआ, उस शूट में शाम जब शूट हमारा पैक हो गया, बहुत बड़ा सेटअप लगता है, लाखों रुपये लगते हैं, तो जब शूट का पैकअप हो गया तो शाम को कोई भी इंसान खुश नहीं था, मेरी टीम का एक भी इंसान खुश नहीं था। मतलब वो इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि शाम को उन्होंने बोला जी जितना बड़ा तुम्हारा ऑडियो है, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वीडियो से, आपने वैसा वीडियो नहीं किया है। तो अब खर्चे भी हो चुके हैं, सेटअप्स लग चुके हैं, सारी प्रोडक्शन टीम आ चुकी है, तो अब हम आप बताओ कि अब कैसे करें। तो मतलब मैंने सिर्फ उनको ये बात बोली कि जब मेरे डायरेक्टर्स ही खुश नहीं है मेरे से, तो फिर तो जब मेरा डायरेक्टर ही खुश नहीं है तो पब्लिक कैसे खुश होगी। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे एक्टिंग सिखाओ, ठीक है। मुझे याद है 22nd डेट थी, महीना कुछ दो चार महीने पहले की बात है, तो हमारा शूट हुआ, तो उन्होंने मेरे को कहा आप कर लोगे, मैंने कहा आपने मुझे सिखाई नहीं, जब आप मुझे सिखाओगे तो मैं करूँगा। तो वो सारे दिन का जो भी शूट था सब कुछ डिलीट हुआ, नुकसान हुआ। अच्छा मतलब इतना सब कुछ शूट होने के बाद उसको डिलीट कर दिया गया? हमने उसे सब कुछ डिलीट किया। उसके बाद एक हफ्ता उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग करवाई, एक हफ्ता मैंने एक्टिंग सीखी, और फिर 22 के बाद 10 दिन के बाद 2 तारीख को हमारा शूट था। और जब 2 तारीख को मैंने शूट किया तो वो सारी ही टीम इतनी पॉजिटिवली, मतलब उन्होंने बोला कि अब इससे बेस्ट कोई दे नहीं सकता। तो मतलब सिर्फ है कि मैंने सोचा कि यार अब ये चीज मुझे सीखनी है। 10 दिन उन्होंने मेरे को एक्टिंग करवाई, शर्मा जी थे हमारे, तो उन्होंने मेरे को कोरियोग्राफ किया, सिखाया, अजीत जी थे, मास्टर एक्स मेरे फ्रेंड, तो उन्होंने मेरे पे मेहनत की, तो 10 दिन के बाद उनके सामने रिजल्ट था। आज लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी मतलब गाना तो गाना, आपने एक्टिंग बहुत कहाँ से सीखी। कंपनी ने जब वीडियो देखी तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो मतलब कहने की बात यही है कि इंसान कुछ भी सोचे हो जाता है। आज मुझे दिल्ली से इतना प्यार मिल रहा है, आज मुझे बाहर से कॉल्स आ रहे हैं, आज मेरे लुधियाना में शोज बुक हो रहे हैं, आज मेरे मलेरकोटला में शोज बुक हो रहे हैं, आज मेरे चंडीगढ़ में शोज बुक हो रहे हैं, आज मैं मतलब अभी आज मुझे लोग जिस दिन मेरा गाना आया उसके दूसरे दिन मेरे को कॉल आती है कि सर आप कितने पैसे देंगे। तो मतलब एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है कि यार आज कोई हमें पूछ रहा और मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब
जो सोचा था उससे ज्यादा दे दिया ऊपर वाले ने, तो मैं सारी जनता का बहुत दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ कि मैंने कोई प्रमोशंस नहीं करवाए फिर भी लोगों ने इतना प्यार दे दिया, तो तो दोस्तों हमारे साथ गुरचार जी बने हुए हैं। मैं चौकड़ी भवन बहुत एक छोटा सा ब्रेक का, उसके बाद दिल्ली लौटेंगे और बातचीत लगातार जारी रखेंगे, तो जल्दी आइएगा वापिस। तो दोस्तों ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है लगातार मोबाइल न्यूज 24 में बने रहने के लिए। हमारे साथ हैं गुरचार जी, जिनसे हमने बात की उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा, और हाल ही में जो गाना आया वे पथरा उसके बारे में ही बात की, शूट के दौरान क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब उनसे बात करते हैं, बड़ी ये बताइए फ्यूचर आपने क्या सोचा है? फ्यूचर सिंगिंग ही है जी, जैसे जैसे रास्ते बन रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ही के गाने से बहुत सारे कमेंट हमने पढ़े जिसमें से सबसे ज्यादा एक कमेंट हाईलाइट हुआ है, इन फ्यूचर अगर आपको कोलैब करने का मौका मिले सनी लियोनी के साथ तो क्या आप कोलैब करना चाहेंगे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहेंगे जी। अच्छा ये बताइए सनी लियोनी के अलावा भी कोई ऐसी एक्ट्रेस आपके नजरों में जो आपको बहुत अच्छी लगती है? बस मैं ये चाहता हूँ कि जैसे एक गाना आया था सोच, मेरी टीम का पहला गाना था वो, तो बाद में वो गाना बॉलीवुड में हिंदी वर्जन में गया, तो मेरा भी ऐसा है कि ड्रीम है कि मेरा गाना भी वे पथरा हिंदी वर्जन बने, TCDC उसे रिलीज करे। तो बाकी इन फ्यूचर कोई भी हो, हिंदी हो चाहे पंजाबी हो, कोई भी गाने हो चाहे, प्लानिंग है कि मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ तो रास्ते बन रहे हैं, तो बहुत जल्द कोई मूवी करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। अच्छा कहीं से बॉलीवुड से ऑफर आया? नहीं, बॉलीवुड से नहीं आया, बॉलीवुड से ऑफर आया, बॉलीवुड की टीम है अपनी जो मतलब गाने के एक्ट के बाद उन लोगों ने बोला कि नहीं आप एक्टिंग में भी अच्छा कर सकते हो। अरे जैसे कि पाजी आपने सिंगिंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी करी, उसके अलावा और बात करी जाए कि आपने एक्टिंग की, जो शरा से आपने बताया कि 10 दिन बाद आपने एक्टिंग सीख के एक्टिंग काफी अच्छी करी जो कि लोगों को बहुत पसंद आई, तो पाजी आपको क्या लगता है कि एक्टिंग सिंगिंग इसके अलावा भी कोई चीज अच्छी है जो आप करना चाहते हो जो आप करते हुए आए हो? नहीं अब फिटनेस पे ध्यान देना है क्योंकि जिस फील्ड में हम पहले हम कुछ भी खा लेते थे, अब खाने में थोड़ा सा सब्वे वगैरह चलने शुरू हो गए हैं, तो मतलब जब हम इस फील्ड में जाते हैं तो फिर अपने आप में ही चेंजेस चाहते हैं क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। आज मैं भी चाहता हूँ तो लोग बहुत सारे सेल्फीज खींचनी है शोर पे या पे वैसा, तो मतलब पॉजिटिवली चल रही है। अच्छा भाजी हमारे कमेंट में एक कमेंट बड़ा हाईलाइट हो रहा है, दूसरा ये है कि हमारे कमेंट में ये करके लोग बोल रहे हैं कि सिंगिंग के लिए रियाज में क्या फ्राई खाना जरूरी है या फिर तीखा खाना, किस किस चीजों का परहेज करना पड़ता है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं पानी जो है जो लोग गाते हैं उन्हें थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए, और मैं क्लासिकल सीखता हूँ, मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है, मैं आज भी सीख रहा हूँ, रियाज करता हूँ क्योंकि रियाज करने से ही आपको सिंगिंग में, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है अब पब्लिक ऑटो ट्यून सिंगर्स या फिर स्टूडियो में गाते हुए सिंगर्स को नहीं एक्सेप्ट करती, आज की डेट में पब्लिक के पास रिव्यूज डालने का पूरा हक है, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को हमेशा रियाज करना चाहिए, लाइव जब हम गाते हैं तो लाइव में लोग इतना प्यार देते हैं आपको, चाहे आप 10 गलतियां करो लेकिन लाइव गा रहे हो ना आपकी वैल्यू पड़ती है। मैंने आज तक जितने भी फैंस कमाए हैं वो लाइव सिंगिंग से ही कमाए हैं, और मेरा हमेशा ये ड्रीम रहेगा कि मैं हमेशा लाइव गाता रहूं। बहुत सारे ऐसे मतलब गाने हैं जो मैं लाइव परफॉर्म करना चाहता हूं, अभी आने वाले भी जो मेरे गाने हम आउट ऑफ इंडिया प्लान कर रहे हैं शूट करने का, तो मैं उम्मीद करूँगा जैसे मेरे रोमांटिक सॉन्ग सैड सॉन्ग लोगों को पसंद आए ऐसे मेरे बीट सॉन्ग्स भी लोग पसंद करेंगे। बाकी आप मैं सारे लोगों का प्यार है, जम्मू शहर से उठ के मैं पंजाब आया और गाना रिलीज होने के कुछ दिन बाद दिल्ली में इतना प्यार मिला, लुधियाना में इतना प्यार मिला, जलंधर में इतना प्यार मिला, पूरे पंजाब में प्यार मिला, बाहर आउट ऑफ इंडिया प्यार मिला। अच्छा भाई अगर बात करी जाए आजकल के जितने भी सिंगर हैं चाहे वो जो पंजाब से बिलोंग करते हैं अक्सर वो हिट होने के बाद वायरल होने के बाद अपना चेंज गेटअप करवा लेते हैं, कभी आपने ऐसा सोचा कि फ्यूचर में अपना चेंज करवाएं कभी? नहीं ऐसा नहीं है जी, देखो मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा पंजाबी ज़्यादा बोलना पसंद करता, तो मैं तुम्हें इन्नी गल कहना चाहता
कि असी सिंगिंग करनी है जी, ते सिंगिंग असी गले तो करनी है, मतलब गले में से ही सिंगिंग करनी है, मेरी आवाज लोगों ने पसंद करनी है कि मतलब मैं कैसा गाता हूँ, बाकी आप ओरिजिनल जैसे मुझे, हाँ बहुत सारे लोगों के तब भी था कि आप दाढ़ी ऐसे रखोगे या वैसे रखोगे, तो एज पर रिलीजन मैं चाहता हूँ कि मुझे लोगों ने पसंद किया है, तो क्योंकि मैं अपनी लुक्स चेंज नहीं कर सकता, मेरे मतलब मैं जैसा हूँ मैं ओरिजिनल वैसा ही रहूँगा, क्योंकि लुक्स आपको स्टार नहीं बनाती, आपका टैलेंट आपको स्टार बनाता है, तो बाकी मैं बहुत खुश हूँ, लोगों को लगता था, मुझे याद है वो टाइम भी, बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि आप अपने थोड़ी सी दाढ़ी को प्रेस कर लो, बांध लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन नहीं, बहुत सारी कंपनियों ने रिजेक्शन की स्टार्टिंग में, कि मतलब ये चल नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, आप एक मॉडल नहीं बन सकते, तो अच्छा मतलब मॉडल नहीं बन सकते, अगर अच्छा हुआ तो, मुझे याद है उन कंपनियों की ऑफर्स मेरे को ज्यादा थी गानों की, इतने पैसे देंगे लेकिन खाली आपका गाना लेंगे लेकिन आप एक्ट नहीं करोगे, और मैंने पूछा था एक्ट क्यों नहीं करूंगा मैं, मतलब क्या वजह क्या है, तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ही दाढ़ी भी खुली और ऐसे वैसे, लेकिन सबसे पहले मेरा रिलीजन, मैं सबको यही कहता हूँ कि अपने अपने रिलीजन पे चलो, क्योंकि दुनिया में भगवान एक ही है, सिर्फ उसके रूप अलग हैं, यूनिवर्सिटी एक ही है, तो स्कूल्स अलग हैं, यूनिफॉर्म्स अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, तो आप हर एक अपने रिलीजन पे चलो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ मिलता है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि आज मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, तो इस पे सबसे ज़्यादा फेथ मेरा ऊपर वाले पे ही था, और मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही रहना पसंद करूँगा, बाकी पंजाबियों को अपने लुक के लिए अलग कुछ नहीं करना चाहिए, हालांकि स्टार तो सब बन जाते हैं लेकिन उसके बाद तो उनके नजर ही कुछ अलग हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इंसान को अपना पुराना टाइम कभी नहीं भूलना चाहिए, इंसान को अपनी लुक्स से आप स्टार नहीं बनते, ये मतलब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो ओरिजिनल हो वही रहो, लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे कि मैं इस लुक में आऊँगा तो क्या पता लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप नहीं मानोगे मुझे यूके से कॉल आई और उन्होंने बोला कि हमने क्यूटी सरदार ऐसे कमेंट्स कि ऐसे ही रहना आप बहुत अच्छे लगते हो, मतलब हम जो दिखाएंगे पब्लिक में वही लोग फॉलो करते हैं, तो मतलब अच्छा दिखाओ, गाना गाते हो तो गाना गाओ, बाकी जो है आप में टैलेंट हर किसी में होता है, बहुत सारे लोग गाते हैं, मतलब आपका कहना है कि लोग टैलेंट से प्यार करते हैं ना कि उसके ऊपर दिखावे से, ऐसे कुछ है? जो ओरिजिनल हो वही रहो, क्या बात है। अच्छा भाई, जैसे आप दिल्ली के बारे में बात बता रहे हो, लोग ये कहते हैं कि बॉम्बे जो है वो सपनों की दुनिया है और दिल्ली है दिलवालों की, तो दिलवालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस दिल्ली दिलवालों की है जी, आपने वेपथरा को इतना प्यार दिया तो मैं 31 मार्च को दिल्ली शो लगाने भी आ रहा हूँ, तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ राइज टू फेम प्रोडक्शंस का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरा इतना बड़ा शो उन्होंने बुक किया, तो बस सपने पूरे हो रहे हैं जो देखे थे। चलिए जाते जाते लोगों को दो लाइन किसी भी गाने की जो आपका फेवरेट सिंगर करा हो कोई आप सुना दीजिए। मेरा फेवरेट सॉन्ग जो मैं बहुत ज़्यादा गाता हूँ मेरी ही टीम का है, ऑल टाइम फेवरेट, जिन्होंने मेरे गाने का म्यूजिक किया, बीबरागपा जी, आप सारे उनको बहुत प्यार देते हो, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उन्होंने मेरे गाने का म्यूजिक किया, लेकिन जो उनका खुद का डेब्यू ट्रैक था मन भरिया, मेरा ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक है वो, तो मैं आपको उस गाने की दो लाइन सुनाता हूँ। वे मैथों तेरा मन भरिया, मन परिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, वे मैथों तेरा मन परिया। बहुत अच्छा लगा हमें आपका ये गाना, और थैंक यू हमारे शो में इसमें आने के लिए, हमारे साथ थे गुरसाज जी जिन्होंने बताया अपनी कहानी पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर, और जो कि इनका गाना है वे पटरा जो गाना है उसके बारे में काफी चीजें बताई है कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उनको, लेकिन किस तरह से ये आगे काम करते हैं ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। फिलहाल ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए मोबाइल न्यूज 24 चौकड़ी बाबा के साथ जी।